बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ दोस्तों। बहुत से लोगों का ये डाउट है, क्या साजिद खान, सुभाष घई और आलोक नाथ को लंबे समय के लिए यौन उत्पीड़न मामले में जेल जाने की कोई संभावना है? क्योंकि यहाँ पे जो सीआरपीसी की धारा है 468 लिमिटेशन लगा रही है उनके केस में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इन फेमस सेलिब्रिटीज़ के बारे में, इनके ऊपर लगे हैं यौन उत्पीड़न के बहुत ही गंभीर मामले लगे हैं इनके ऊपर। तो गंभीर मामले का मतलब है ग्रेव ऑफेंस, यानी कि घोर अपराध, एक ऐसा अपराध जिसे कानून की दृष्टि में कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि एक संज्ञेय अपराध के रूप में माना जाता है। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपका जिंदगी भर के लिए डाउट खत्म हो जाएगा। और अगर मेरी बात पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बहुत मोटिवेशन मिलेगा मुझे ऐसे और वीडियोज़ बनाने के लिए। और साथ ही साथ कमेंट करके अपना एक ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं और आज हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे इस मुद्दे पर कि क्या ऐसा संभव है। दोस्तों ज़रूर संभव है। देखिए वैसे तो सीआरपीसी 1973 की धारा 468 में किसी भी अपराध के बारे में एक समय सीमा निर्धारित है, यानी कि एक समय सीमा के अंदर पीड़ित व्यक्ति अपने साथ हुए अपराध के संबंध में न्यायालय या पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, यानी कि यहाँ पर लिमिटेशन है। देखिए अभी मैं इसका तोड़ बताऊँगा, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। दोस्तों सीआरपीसी 1973 की धारा 473 में एक ऐसा प्रोविजन भी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति यानी कि विक्टिम कोर्ट को शिकायत दर्ज ना करने की परिस्थितियों में हुई देरी के कारण को तथ्यों के साथ संतुष्ट करवाने में सफल हो जाता है, यानी कि देरी किस वजह हुई ये फैक्ट्स कोर्ट को बताने में, और कोर्ट इसमें सेटिस्फाइड हो जाता है तो कोर्ट उस अपराध के संबंध में संज्ञान ले सकता है। तो यहाँ पे 468 का यहाँ पे तोड़ है 473। तो अब मैं आपको बताता हूँ, यानी कि ये धारा समय सीमा को पूरी तरह तोड़ने का दम रखती है, जिसमें जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सर्टेन केसेस। दोस्तों एक बात और ध्यान देने की है यहाँ पे कि धारा 473 में विक्टिम को कोर्ट को इस बात से भी संतुष्ट करवाना आवश्यक है कि न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक है। दोस्तों अब आते हैं मुद्दे की बात पे। चूंकि साजिद खान, सुभाष घई, आलोक नाथ जैसे पॉपुलर सेलिब्रिटीज पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप लगाए हैं एक्ट्रेसेस एंड मॉडल्स ने, और मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, आप लोग को वो सब अवेयर हैं उस चीज़ से। और यहाँ पे अब देखने की बात ये होगी कि एक्ट्रेसेस इस धारा 473 का उपयोग करके इनको सलाखों के पीछे पहुँचा सकती हैं। दोस्तों एक चीज़ और कि आप चैनल के साथ प्लीज़ अभी जुड़ जाएं, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहूँगा। और लास्ट वीडियो मैंने बनाया था तनुश्री दत्ता पे और उनकी पूरी केस स्टडी की थी कि क्या अगर नाना निर्दोष साबित हो जाए तो क्या हो सकता है, तो वो भी देखिएगा। और दोस्तों अब आपकी अपनी राय होगी यहाँ पे, तो मुझे अवश्य बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा और टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा। साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी और मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिए तब तक।